ले लो भैया टूटी फूटी ना सही सलामत। आज ये लोग चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे तीनों आत्मा। क्या होगा, कैसे फिर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बताओ मुझे। आज ही छोड़ने जा रही हूँ इनको। एक दिन मैंने जबरदस्ती रख लिया, कल बृहस्पतिवार कह करके बृहस्पतिवार को छोड़ते जाते नहीं है यहाँ से। वो मुझे भी नहीं पता जाते नहीं, तो मैंने अपना खुद का रूल बना लिया था। और आज शुक्रवार है, फ्राइडे इन्हें छोड़ने जाना पड़ रहा है। दूसरे की अमानत जबरदस्ती रख नहीं सकते, सही बात है। नहीं, मौसी भी है, मौसी की है पर उतनी नहीं है जो जबरदस्ती रख ले। एक दिन रख ली कोई बहुत है, दो दिन, एक दिन जबरदस्ती रखा है। अच्छा। वो तो प्यार से हो गया, सोच गया चलो कोई नहीं, ठीक है, कल जबरदस्ती रखा है इसे दोनों को। और ये तो यूँ कह रही थी, नहीं मौसी जाना है, इसका तो मन नहीं था जाने का, है ना। नहीं था ये, पता है इसे इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके घर वाले वीडियो देखते हैं। कहीं घर वाले यूँ ना कह लगे यार सिखा तो मन नहीं था। नहीं कैसा, इसका काम इसकी बात सही है, हाँ भी और नहीं भी, कुछ समझे तो ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है ना। हाँ, और हमने भी नाश्ता पानी कर लिया है, कोई ये मत सोचना कि बिना खाए पिए जा रहे हैं। क्या खाया बता दो। हमने खाई थी, चाय पी थी, कचौड़ी खाई थी, आलू गोभी की सब्जी बनी थी, पूरी खाई थी, और कचौड़ी आलू की कचौड़ी थी जो कि कल का बासा भरता रखा था। अच्छा, हमें नहीं पता। और वो खाए, टोस्ट खाए थे, मक्खन खाया था, पानी पिया था, ब्रेड खाई थी, और ब्रेड नहीं खाई थी, बिस्किट नहीं खाए थे, सब कुछ ब्रेड नहीं खाई, सब कुछ। अच्छा, तो कल का याद था, कल भी बिस्किट नहीं खाए, तो मेरे घर का याद होगा। इतना मिक्स मत कर, इतनी तेज मत रख। और टाइम अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और आज का मौसम इतना अच्छा है ना, कल का भी इतना अच्छा था कि टाइम का पता नहीं चला कब आया कब निकल गया। वैसे गर्मी में एहसास होता है कि यार कब टाइम निकलेगा। मौसी देखो बोतल तोड़ के आएगी, इसने तो बहुत सारा नुकसान किया सच। अब अगली बार नहीं बुलाऊंगा इसे, नुकसान करते गई है कितनी बार। नहीं तो किया था, मैंने क्या किया था, तो मैंने बताया था, कितना अच्छा है, इतना सुंदर है ये, कहाँ से लाई हो, सही हाथ में रहेगा ये को। और बच्चे नहीं जा रहे, केशव नकुल को नहीं ले जा रही हूँ, नहीं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कि कहाँ उन्हें रास्ते में लेके जाऊँगी, 2 घंटे बाद तो लौट कर ही आना है, वो आराम से रह सकते हैं यहाँ पर, रह लेंगे दोनों के पास एक एक फ़ोन है, आराम से रह सकते हैं, ठीक है ना। और तन्नू भी नहीं जा रहा, तन्नू को भी यही छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ रहेगा या फिर गुड्डन के पास रह लेगा वहाँ पर। अंदर चलो कूलर में, और पूरी सब्जी बनेगी, ये देखो यहाँ पे लस्सी बनने की भी तैयारी हो गई। और चाहे कितना भी मना करो ना, कोई भी हो कैसा भी इंसान हो, बिना खाए पिए जा ही नहीं सकता यहाँ से। चटनी ले क्या? हाँ। मैंने दे रही है क्या? ना दे रही क्या? दाई बना रहे। हाँ। ना दे रही सुनाई? ना। ना दे रही। जी मम्मी ये सिखा के। तो
देख लो है ना, ये मम्मी है देख लो, बस अपने घरे आए काम पे लग जा बैठे मत ही ना फालतू। बाहर पे हाल कोई सामान ले आई, हम बैठे बहुत दूर में सामान ले आई, काय बहू बहू भेज दे बहू को का पाए ना आते जाए देख ले बहू का बिना पैर के लेके आएंगे। ये देखो हमारी चाची का 25 साल पुराना पर्स, इनकी शादी का है, उनकी फ्रेंड ने दिया था ये। और चाची हम पे एक चीज ना संभाली जा रही, हाँ आजकल की लड़कियां देखो हम जैसी जिन पर कुछ नहीं संभलता है। और हमारी चाची ने 25 साल पुराना अपनी फ्रेंड का गिफ्ट संभाल के रखा है। आज हमने अलमारी में देखा तो हमने देखा सबको दिखाया जाए कि कितनी केयर है उनको इस पर्स की। देखो पागल ये पागल ना शादी करो जा रहा है। और यहाँ पे ना शिखा के छोटे वाले भाई की फोटो देखी जा रही है, शादी की एल्बम। और ये पता है रिवाज है, हम कहीं भी जाते हैं घूमने तो फोटो जरूर देखते हैं, शादी की वीडियो हो या फिर फोटो जरूर देखते हैं। और ये दीदी है मेरी दीक्षा की मम्मी, आपको मैंने मिलाया भी है, कई बार भी मिलाया है वीडियो में ब्लॉग में, कहीं हम जाते हैं तो साथ में ही जाना होता है तो मैंने मिलाया आप सबको। तो ये देखिए कहीं भी हम जाते हैं घूमने तो हम फ़ोटो ज़रूर देखते हैं, शादी की हो या फिर हमारी कोई पुरानी फ़ोटो वो ज़रूर देखते हैं। और यहाँ पर शिखा मुझे बता रही है ये कौन है इस तरीके से। तो मैंने भी दिखाई थी उसे अपनी फ़ोटो, शादी की नहीं है मेरे पास लेकिन जो हम घर में जो हम कहीं घूमने जाते हैं वो वाली एल्बम दिखाई थी। बड़ी हंस रही थी मेरे फ़ोटो पर सच में, क्योंकि खिंचाए इसी तरीके से थे। और ये इसके छोटे वाले भैया और भाभी हैं शिखा के। और यहाँ पे देखी जा रही है बड़ी भाभी की, मतलब बड़े भैया भाभी की शादी की एल्बम देखी जा रही है। तो यहाँ पे हंसी आ रही है, हंसी क्यों आ रही है क्योंकि शिखा उस टाइम पे बहुत छोटी थी तो उसे इसी ये बात पे हंसी आ रही थी कि कितने छोटे थे और हम किस तरीके से फ़ोटो खिंचाते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, ये फ़ोटो अच्छा नहीं आया इसे हटा दो, ये पोज मैंने अच्छा नहीं मारा इसे हटा दो। उस टाइम पर ये होता था कि जब छोटे थे तो जैसे खड़े हैं जैसे मर्जी में खड़े हैं खिंच गया वो ही बहुत अच्छा लगता था कि भाई हम ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है कि हम जब फ़ोटो खिंचाते तो ऐसा लगता है कि हमारा फ़ोटो बहुत अच्छा आया है, लेकिन जब आगे चल के देखेंगे ना तो शायद ये भी अच्छे नहीं लगेंगे, यही कहते रहेंगे कि पता नहीं कैसे फ़ोटो खिंचाया है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी तभी फ़ोटो एल्बम निकाल दी थी और घर के लिए निकल चुकी हूँ मैं। और ये लाल किला आपको मैंने कई बार दिखाया, जब जब मैं यहाँ से निकल कर जाती हूँ ना यही एक रास्ता है निकलने का, तो बस यही दिखा रही हूँ। और ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आंधी तूफान आने वाला है। और यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी थी, घर पे आने के बाद जो है मैंने सबसे पहले अपनी साड़ी चेंज की, कपड़े चेंज करने के बाद किचन में आई ना तब मुझे पता चला कि बताओ इतना काम रखा था मेरे लिए। और कहने के लिए मैं पूरा काम करके गई थी, किचन में एक भी बर्तन नहीं थे, सिंक में इतने सारे बर्तन कर दिए। और यहाँ पर नकुल मुझे बताने आया था कि मम्मी मृदुल की वीडियो आ गई है, चलो जल्दी कर लो काम देखेंगे। मैंने कहा चलो आ रही हूँ मैं फटाफट काम ख़त्म करके। और एक भी बर्तन नहीं था, इतने सारे बर्तन करके रख दिए मेरे लिए। और अभी इस टाइम पे आंधी तूफान और बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो मैं सही टाइम पे अपने घर पे आ गई थी। और अगर मैं 10 मिनट लेट आती ना वहाँ से निकलती तो मैं शायद कहीं ना कहीं ज़रूर फंस जाती, क्योंकि जैसे ही मैंने घर में कदम रखा वैसे ही बहुत तेज आंधी तूफान बहुत तेज़ आ जाता और मैं फंस जाती बहुत बुरे तरीके से। तो चलिए काम हो गया, वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।